भाई आप थोड़ा ये मूर्ति को देखिए, नीचे आदमी है, आदमी का ऊपर हाथी है, हाथी का ऊपर शेर है। आप हर मंदिर जाते हैं, आपको मिलते हाथी और शेर, उसको बोला जाते गजेश्वर मूर्ति। सर यहाँ मिलता है आदमी, हाथी, शेर, एक ही जगह पर आदमी की तस्वीर है, दूसरा कहीं पर नहीं है। एक पत्थर में तीनों मूर्ति देने का मतलब क्या होता है? तीन धर्म, पहले होते सनातन धर्म जो हिंदू धर्म, शकुंतला का लड़का का नाम था भरत, देश का नाम हुआ था भरत वर्ष। सनातन धर्म को डाउन करके आ गया बीच में बौद्ध, बौद्ध का निशानी दे दिया हाथी, बौद्ध धर्म को फिर डाउन करके आ गया हिंदू धर्म, दुर्गा का वाहन होते थे, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, बीच में बौद्ध आया था। और एक बात क्या होता ना, हाथी होते दौलत, शेर होते ताकत। जब आदमी के पास पैसा और ताकत बराबर हो जाते हैं तब मन में गर्व अहंभाव आते, घमंड आते। ये मंदिर के अंदर क्या बोलते हैं, जो मन के अंदर नदी समंदर यहाँ संगम था, अब 3 किलोमीटर दूर हो गया है। ये जगह का नाम क्यों रखा हुआ है कोण आर्क, ये पूर्व उत्तर कोना कोण पर बनाया, कोणों मीनिंग एंगल, अर्क मीन्स सूर्य, इसीलिए जगह का नाम रखे हैं कनारक सूर्य नारायण की मंदिर। हर आदमी बोलते हैं कि सूर्यनारायण के मंदिर है, लेकिन ये साउंड चैरियट है, रथ का कल्पना से मंदिर को बना हुआ है, 7 घोड़े 24 सिपहिये जैसा रथ को खींच के ले जाते। ये नदी और समंदर किनार में क्यों राजा ने मंदिर को बनाया, ये बापर युग का कहानी है। जो श्री कृष्ण भगवान के लड़के के नाम थे सांबो, जाम्बवती के लड़के, उनको माँ बाप ने द्वारपाल किए थे, दरवान नारद मुनिया के उससे मिले, अंदर है हमको द्वारपाल की हैं, अंदर किसको छोड़ने के लिए बंद किया, अपना भी जाने के लिए बंद किया। नारद तो झगड़ा लगाने वाले, वो बोला कि हमको मत छोड़ो, ये तुम्हारा घर है, तुम थोड़ा जाके पिताजी से बोलो कि नारद मुनि आया तुमको मिलने के लिए। तो जब जबरदस्त किया तो लड़के घर के अंदर चला गया पिताजी को बुलाने के लिए। जब घर के अंदर चला गया तो माँ बाप का बंधन देख लिया, तो माँ बाप ने उनको गुस्सा से गाली दे दिया, तुमका मना किया था अंदर आने के लिए, किसको छोड़ने के लिए, तुम खुद ही आकर के हमारा बंधन दिखा हुआ है, तुम कोढ़ी हो जाओ, कोढ़ी मीन्स लेपर। जब सांबो को कोढ़ हो गया तब आके नारद मुनि को बोला कि तुम हमको जबरदस्त भिजवाया, अभी माँ बाप ने हमको श्राप दे दिया, हम कोढ़ी हो गया। वो बोला कि ठीक है, चंद्रभागा नदी है, वहाँ मैत्रीय झाड़ है, वहाँ जाके तुम 12 साल सूर्य उपासना करो, सूर्य भगवान का पूजा करो, नूनी पानी से ना हो, नीम के पेड़ के नीचे सो जाओ, तब तुम कोढ़ी से अच्छा हो जाएगा। सारे जंगल के अंदर दिखते लाल वाला विमान दिखाई देते हैं अंदर में, ये जंगल का नाम होते मैत्रीय झाड़। हम जब यहाँ से कोढ़ी से अच्छा हो गया तो उड़ीसा का राजा लंगूड़ा नरसिंहदेव ने मंदिर को बनाया, कोई कोढ़ी हो जाएगा तो यहाँ पर 12 साल सूर्य उपासना करके कोढ़ी से अच्छा हो। राजा जिस टाइम मंदिर को बनाया बोला देखो जिस टाइम मंदिर बनाएंगे 12 एकड़ जमीन, 1200 कारीगर, 12 साल के अंदर 5 मंदिर कंप्लीट करेंगे। 12 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होगा तो 1200 कारीगर का गर्दन काटने के लिए ऑर्डर दे देंगे। इस टाइम राजा ने 1200 कारीगर लोग ले करके 12 साल में मंदिर को बनाया। जो मेन मंदिर का ऊपर मंगल घट चढ़ाने के लिए कलश कोई नहीं बैठा सका, तो 1200 कारीगर के अंदर हेड कारीगर था, उनका नाम थे विश्व महाराणा, उनका लड़का का नाम था धर्मपद। ये 12 साल का लड़का ने कलश फिटिंग किया, 1200 कारीगर हेड कारीगर को डिमांड किया कि अभी 12 साल का लड़का ने कंप्लीट कर दिया। जब राजा को खबर हो जाए कि 1200 कारीगर नहीं बनाया, 12 साल का लड़का ने बनाया, अब हम लोग का हालत क्या होगा। वो कुछ ना बोलने के पहले लड़के सोचे जब हम अकेले मर जाएं तो 1200 कारीगर भी जिंदा रहेंगे, उनके साथ हमारा पिताजी भी जिंदा रहेंगे। राजा को एक अक्कल दे के जाएंगे, 12 साल का राजस्व या 40 कोटि गोल्ड कैन खर्चा किया खाने में, ये भी बर्बाद करके जाएंगे। ये लड़का क्या कहना, कलश बैठा के अपना खुद के मर गया, तो इसीलिए मंदिर अपवित्र हो गया, यहाँ पूजा धूजा नहीं होते, जूता चप्पल कैमरा सारी चीज़ आते हैं। इसी मंदिर में जो पूजे की मूर्ति सूर्यदेव की मूर्ति अभी लेके जगन्नाथ मंदिर के अंदर
लक्ष्मी मंदिर का बाजू में लेके पूजा कर रहे हैं, जो गेट के सामने नौगरे की मूर्ति पूजा होते पहले यहाँ एक बिल्डिंग बना के पूजा करते थे, ये पंडे लोग जुलूम के लिए अब ये घर तोड़ करके ये बाउंड्री के बाहर एक बिल्डिंग बना के पंडे लोग को दे दिए पूजा के लिए। गेट के सामने लिखा हुआ है नौगरे जाने का रास्ता, आप चाहेंगे जाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं जाएंगे, वो आप लोग की मर्जी।